बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सीएमसी ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट की सीएमसी पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा फिनोमेना है। आमतौर पर टिपिकल सर्फेक्टेंट की सीएमसी टेम्परेचर के साथ इनिशियली डिक्रीज होती है और उसके बाद इंक्रीज होती है, यानी एक यू शेप्ड ट्रेंड आमतौर पे ऑब्जर्व होता है, यू शेप ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड। सीएमसी ऑफ सर्फेक्टेंट नॉर्मली अंडरगोज डिक्रीज विद टेम्परेचर इनिशियली एंड देन इट इंक्रीजेस। इसको आप यू शेप्ड ट्रेंड कह लें या वी शेप्ड ट्रेंड कह लें। अब इसकी वजह देखते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सर्फेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट के अराउंड वाटर की अरेंजमेंट, वाटर की ओरिएंटेशन चेंज होती है। क्योंकि जब हमने सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को वाटर में डाला था, सर्फेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ भी वाटर के मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन थी और सर्फेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ भी वाटर की इंटरेक्शन थी। हमने पढ़ा था हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ चूंकि वाटर के मॉलिक्यूल कंपैटिबल नहीं होते, इसलिए वाटर के जो मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक पार्ट के अराउंड्स होते हैं उनमें ज़्यादा अच्छी स्ट्रक्चर बन जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वाटर के सर्फेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट की डिहाइड्रेशन इंक्रीज होती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट्स ऑफ सर्फेक्टेंट, या इसको आप यूं कह सकते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेज हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ सर्फेक्टेंट। पहला फिनोमेना तो ये है। और इसके साथ टेम्परेचर इंक्रीज करने से हाइड्रोफोबिक पार्ट भी अफेक्ट होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से हाइड्रोफोबिक पार्ट के अराउंड जो वाटर के मॉलिक्यूल ने एक स्ट्रक्चर बनाई हुई होती है वो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रप्ट हो जाती है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर डिस्ट्रप्ट्स वाटर स्ट्रक्चर अराउंड हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सर्फेक्टेंट। ये दोनों फिनोमेना साइमल्टेनियसली होते हैं। पहला फिनोमेना हमने कहा इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट्स ऑफ सर्फेक्टेंट, और दूसरा फिनोमेना इंक्रीज इन टेम्परेचर डिस्रप्ट्स वाटर स्ट्रक्चर अराउंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स ऑफ सर्फेक्टेंट। अब इन दोनों के बाद होता क्या है? ये दोनों फिनोमेना चूंकि साइमल्टेनियसली होते हैं, इन दोनों की रिलेटिव मैग्नीट्यूड डिसाइड करती है कि सीएमसी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। ये दो अपोजिंग फैक्टर्स हैं एंड रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज अपोजिंग फैक्टर्स विल डिसाइड वेदर सीएमसी ऑफ सर्फेक्टेंट विल इंक्रीज आर डिक्रीज विद टेम्परेचर। जो पहला फैक्टर है यानी इंक्रीज इन डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट्स ऑफ सर्फेक्टेंट, ये माइसलाइजेशन को फेवर करता है, माइसलाइजेशन को सपोर्ट करता है। और जो फैक्टर, जो फिनोमेना माइसलाइजेशन को सपोर्ट करे वो सीएमसी को डिक्रीज करता है। इसका मतलब है अगर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ सर्फेक्टेंट ज़्यादा हो तो सीएमसी डिक्रीज होगी। और जो दूसरा फिनोमेना है, जो सेकंड फैक्टर है, डिस्रप्शन ऑफ वाटर स्ट्रक्चर अराउंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स ऑफ सर्फेक्टेंट, ये फिनोमेना माइसलाइजेशन को अपोज करता है, माइसलाइजेशन को डिसफेवर करता है। और जो फिनोमेना, जो फैक्टर माइसलाइजेशन को अपोज करे वो सीएमसी को इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज इन डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट्स ऑफ सर्फेक्टेंट माइसलाइजेशन को फेवर करता है और सीएमसी को डिक्रीज करता है। एंड डिसरप्शन ऑफ वाटर स्ट्रक्चर अराउंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स ऑफ सर्फेक्टेंट डिसफेवर्स एंड अपोजेज माइसलाइजेशन एंड देयरफॉर इट इंक्रीजेज सीएमसी। लो टेम्परेचर पर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट ज्यादा है। ये देखिए, एट लो टेम्परेचर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट्स ऑफ सर्फेक्टेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर स्ट्रक्चर अराउंड हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सर्फेक्टेंट।
जब डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट ज़्यादा हो तो इसका मतलब है माइसलाइजेशन का प्रोसेस सपोर्ट हो रहा है, दिस फिनोमेना इज फेवरिंग माइसलाइजेशन एंड सी एम सी डिक्रीजेज। इसलिए हमने कहा कि लो टेम्परेचर पर सी एम सी डिक्रीज होती है। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अगर आप सी एम सी को प्लाट करें वर्सेस टेम्परेचर, तो इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज करने से सी एम सी डिक्रीज होती है। क्यों? कि इनिशियली रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट्स ऑफ सर्फेक्टेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर स्ट्रक्चर अराउंड हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सर्फेक्टेंट। और एट हाई टेम्परेचर, ये जो हमने कहा था कि इनिशियली सी एम सी डिक्रीज होती है और उसके बाद सी एम सी इंक्रीज होती है, इसका मतलब है लो टेम्परेचर पर सी एम सी डिक्रीज होगी और हायर वैल्यू पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो सी एम सी इंक्रीज होगी। क्यों? कि एट हायर टेम्परेचर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट्स ऑफ सर्फेक्टेंट इज लेस देन रेट ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर स्ट्रक्चर अराउंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स ऑफ सर्फेक्टेंट। ये फिनोमिना माइसलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए सी एम सी इंक्रीज हो जाती है। ये देखें, ये इस तरह का ट्रेंड है आयनिक सर्फेक्टेंट में, ये है सी एम सी ऑफ आयनिक सर्फेक्टेंट वर्सेस टेम्परेचर। इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज करने से सी एम सी डिक्रीज होती है, एक मिनिमम पॉइंट तक ये डिक्रीज होती है और उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और ये जो मिनिमम पॉइंट है ये राउंड अबाउट 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड इस रेंज में आता है। ये बात है आयनिक सर्फेक्टेंट। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट में आमतौर पर इस तरह का वी शेप्ड या यू शेप्ड ट्रेंड नहीं होता, क्योंकि नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट में जब आप टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो सर्फेक्टेंट की कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाती है। इस फिनोमेना को कहते हैं फेज सेपरेशन। इसलिए आमतौर पर सी एम नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट की सी एम सी इनिशियली डिक्रीज होती है और उसके बाद जब आप ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल वाटर से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं फेज सेपरेशन। इसलिए फिर आमतौर पर दोबारा टेम्परेचर इंक्रीज करने से सी एम सी इंक्रीज नहीं होती। फॉर आयनिक सर्फेक्टेंट सी एम सी फर्स्ट डिक्रीजेज विद टेम्परेचर एंड देन इंक्रीजेज। और आयनिक सर्फेक्टेंट में ये मिनिमम पॉइंट जो सी एम सी टेम्परेचर प्लाट में आता है इट इज़ अराउंड 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड। और नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट में मिनिमम पॉइंट ऑब्जर्व होता है नियर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन इस वैल्यू में हो सकती है क्योंकि सर्फेक्टेंट की नेचर में, सर्फेक्टेंट के स्ट्रक्चर में बड़ी वैरायटी है, इसलिए ये वैल्यूज ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही हों, ये वेरी कर सकती हैं सर्फेक्टेंट टू सर्फेक्टेंट। अब नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट की खास बात यह है कि फॉर सम नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट दिस फिनम मिनिमम पॉइंट इन सी एम सी इज नॉट ऑब्जर्व्ड बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट डिक्रीजेज एट हाई टेम्परेचर। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट की सी एम सी हाई टेम्परेचर पे कम हो जाती है और उसमें फेज सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है कि नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल वाटर से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, एक कोएगुलेशन प्रेसिपिटेशन टाइप फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आमतौर पर सी एम सी नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट की डिक्रीज होती है उसके बाद इंक्रीज नहीं होती। अगेन दिस इज जनरल ट्रेंड ऑफ सी एम सी ऑफ आयनिक सर्फेक्टेंट विद टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने लिया है डिग्री सेंटीग्रेड में और सी एम सी की वैल्यू ली है मिली मोल में। एंड दिस इज जनरल ट्रेंड ऑफ सी एम सी ऑफ सर्फेक्टेंट ऑफ नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट वर्सेज टेम्परेचर। अगेन टेम्परेचर हैज़ बीन टेकन इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड सी एम सी हैज़ बीन टेकन इन मिली मोल। बाईवेलेंट मेटल अल्काइल सल्फेट की सी एम सी आमतौर पर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। इस पर बहुत लिमिटेड डाटा अवेलेबल है, लेकिन जितना का अवेलेबल है उससे ये पता चलता है कि अगर बाईवेलेंट मेटल अल्काइल सल्फेट हो, यानी अगर कैल्शियम ड्यूडिसाइल सल्फेट हो, ये दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम ड्यूडिसाइल सल्फेट, इसकी सी एम सी आमतौर पर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। इसी तरह ज़्विट्राइनिक सर्फेक्टेंट पर भी बहुत लिमिटेड डाटा अवेलेबल है। एक जो टिपिकल ज़्विट्राइनिक सर्फेक्टेंट है अल्काइल बीटेन, अल्काइल बीटेन के बारे में है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी सी एम सी इस रेंज में 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिक्रीज होती रहती है। यानी 6 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक अल्काइल बीटेन की सी एम सी डिक्रीज होती है।
अलबत्ता उसके बाद कोई ऐसा फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं किया गया कि सीएम टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी सीएमसी इंक्रीज होती हो। इट इज़ नॉट एविडेंट फ्रॉम डाटा दैट वेदर फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज सीएमसी आर नॉट। ये है अल्काइल बिटेन, ये ज़ोइट्राइनिक सर्फेक्टेंट है। इसमें ये जो सी एच टू एन है, एन की वैल्यू आमतौर पर 10 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो दिस वॉज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सी एम सी ऑफ सर्फेक्टेंट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।